देखो मेरी बात सुनो, आप जब अंदर जाओगे ना सब कुछ निकल जाना है आपका। हे गाइस, कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके देख एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना खौफनाक होने वाली है। तो क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये मेरी दोस्त है आशिमा और इन्होंने मेरे को बहुत टाइम से कॉल्स मैसेज किए और बताया कि यार एक प्रैंक है बहुत अच्छा दिमाग में, तो यार वो कर दे तो मैं तेरे को मान जाऊँगी। यार मैं आपको बता दूँ प्रैंक क्या है, इनका ही एक भाई है कज़न जो कि पुलिस में है, तो इन्होंने बोला है मुझे कि यार उस पर प्रैंक करके दिखाओ तो मैं तेरे को मान जाऊँगी। तो रियल में एक प्रैंकस्टर है, तो चैलेंज इनका कर ही लेते हैं एक्सेप्ट। लेकिन यार बुलवा दो कि यार अगर कोई दिक्कत होती है ना बोलो जल्दी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आम है, मैं संभाल लूँगी, बाकी मेरा कज़न पुलिस वाला है तो कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है। बाकी चीज फ्रेंड्स का तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, बाकी दुआ करो यार जैसे सही सलामत जा रहे हैं ना वैसे सही सलामत वापस भी आ जाए। तो मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी सर, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आप उत्तम नगर रहते हो ना? देखो मुझे पता है, मैंने इतने दिनों से आपको नोटिस कर रही थी, मैं आपको देखती रहती हूँ, आप आते जाते रहते हो ना। नोटिस कर रही थी मैडम? हाँ आपको नोटिस कर रही थी। मेरा नाम रिट्स है और मैं आपको ना बहुत दिनों से ना देख रही हूँ। आप उत्तम नगर रहते हो ना, मेट्रो स्टेशन के पास में? अभी बात करते हैं। उत्तम नगर रहते हो ना, मेट्रो स्टेशन के पास में? इतना कैसे पता आपको? इतना क्योंकि मैं आपको हर दिन देखती हूँ ना, इसलिए। कहाँ से? मेरी ड्यूटी ही होती है रोज़, मैं तो आपको नहीं देखा कभी। नहीं देखा ना? अब देख लो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ जी, देख लिया। बताओ जी, काम बताओ क्या है? काम ये है कि मैं आपको पता नहीं कैसे बोलूँ लेकिन ना मेरे को ना आपसे प्यार सा हो गया है। क्या बातें कर रही हो मैडम, इलेक्शन का दिन है, ड्यूटी पे हूँ मैं। इलेक्शन का दिन है, ड्यूटी पे हो तो क्या हुआ? अब मैं इतने दिनों से सोच रही थी आपको बताऊं। वो तो नहीं है जो उस पे चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये प्रैंक वैंक सुना है मैंने? नहीं नहीं सर, मैं प्रैंक वैंक कुछ नहीं कर रही। अब मैं इतने दिनों से आपको देख रही थी और देखो मुझे पता भी है और आपका नाम भी पता है मुझे, पंकज नाम है आपका। कहाँ से पता कर लिया? और आप उत्तम नगर रहते हो मुझे भी पता है। मैं इतने दिनों से मैं नोटिस करी थी ना कि मैं आपको आके शेयर करूँ अपनी फीलिंग्स। अब प्यार तो देखो किसी से भी हो सकता है ना, आई होप आप समझोगे मेरी फीलिंग्स को। मैडम मैं बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। देखो मुझे डर लग रहा है आपसे बात करने में, प्लीज आप गुस्सा मत। डरने की बात नहीं है, आप बात बताओ को काम क्या है, आप सिंपली बात। मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं, पता क्या है, आप ना पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप ना चोर लग रहे हो। चोर लग रहा हूँ मैं आपको? हाँ। ड्यूटी पे ऑफिसर खड़ा, आपको चोर लग रहा है? क्योंकि आपने मेरा दिल चोरी कर लिया ना, इसलिए तो आप चोर लग रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हो। मैं ड्यूटी पे हूँ इस टाइम, इलेक्शन का टाइम है, आपनी कोई दिक्कत बताओ, कोई है परेशानी दूर कर देंगे मैडम। लेकिन फालतू बातें ना करो, मैं आपसे फालतू बातें नहीं कर रही, मैं आपको बता अच्छा लग गया आपको मेरे में? और मैं तो आपको कभी देखा नहीं, आज देखा है। हाँ मैं तो आपको रोज ही देखती हूँ, आप इतने हैंडसम लग रहे हो, सही लग रहे हो। अब बताओ प्यार कोई देख के करना चाहिए था कि पुलिस वाला है या क्या है? प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं मैडम। ऐसा ना, आप वो लेडीज, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, ठीक है आप चले जाओ। मैं कैसे चले जाऊँ आपसे बिना बात करे? एक काम करो आप ना मुझे अपना नंबर दे दो, फिर मैं आप चली जाऊंगी, मैं आपसे बात कर लूंगी फोन पे। मैडम आप यहाँ से चले जाओ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सब निकल जाओ यहाँ से। प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना सर। मैडम प्यार मैंने कोई गलती थोड़ा कर दी। अच्छा आपकी बीवी बच्चे है क्या? आप शादीशुदा हो क्या? मुझे पता है, ये बताना आपको सब कुछ। मुझे पता है पक्का शादीशुदा नहीं हो। कहाँ से पता कर लिया आपने? आप लग रहे हो ना इतने हैंडसम लग रहे हो, ही नहीं सकते आप शादीशुदा। मैडम मैं ड्यूटी पे हूँ मैं, और आपको पता है आप क्या कर रहे हो अपने साथ? क्या करोगे आप मेरे साथ? आप मेरे को जेल में डाल दोगे? मैं तो अभी कुछ नहीं डाल सकता, अभी आप लेडीज हो, कोई और होता आपकी जगह तो हो जाता बात। आप मुझे जेल में कैद कर दोगे? मेरे दिल में तो आप ऑलरेडी कैद हो चुके हो। मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक नहीं कर रही आपसे। तो लग रहा है वो प्रैंक वरैंक जो करते रहते वो तो नहीं। नहीं मैं आपसे यार एक बात बताऊँ, मैं आपसे मजाक करूंगी ऐसा भाई यार, मजाक करूंगी वो भी एक पुलिस वाले से। अच्छा आपको भरोसा नहीं है तो इनसे पूछ लो। आंटी आप बताओ कि प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। देखो वो भी मान रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं जितने लोग बैठे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? दिल पे किसी का जोर तो नहीं है? वोट तो देखो आप, जाओ वोट। मैंने वोट डाल दिया है, मैंने आपको वोट डाल दिया। 18 साल की हो गई ना, जाके आप वोट डाल। मैं 19 साल की हूँ। अरे घर जाओ। मैंने वोट डाल दिया, देखो मैंने आपको वोट डाल दिया। निकलने दो पहले, तो ठीक है ये लो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैंने वोट डाल दिया ना, मैं बता दे रही हूँ आपको। लेकिन देखो मैं ये बोल रही हूँ कि
मेरे को ना आपसे शादी करनी है, मुझे आपको शादी करनी है ना, मुझे ना बहुत पसंद है। बिल्कुल, बात मैंने मान ली आपकी, आप मुझे अपने पापा का नंबर दो। मेरे पापा ने हाँ कर दिया है, मेरे पापा आपको जानते हैं, मेरे पापा ने बोला था कि यही पंकज नाम का बंदा ही है। मेरी 19 साल है ना, 19 की हूँ, आई एम 19। उन्हें बता दो पापा को क्या करोगे आप फोन करके मेरे, आप दो वरना फिर मैं निकलवाऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, आप जब अंदर जाओगे ना सब कुछ निकल जाना है आपका। अंदर डालो, इतनी प्यारी सी लड़की को आप अंदर डालोगे? यार मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया। ड्यूटी ऑफिसर को ना हटा रहे हो ड्यूटी से, समझते हो? मैं क्राइम तो नहीं कर रही ना, मैंने सिर्फ आपसे नॉर्मल बात ही तो करी है। मैडम कैसे समझाऊं आपको आज? आप समझ रहे हो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो, आप समझ नहीं चाहते हो। बात तो है नहीं, आप मैं कोई बच्ची नहीं हूँ ना मैडम, मैं नाबालिग नहीं हूँ ना, मैं बालिक लड़की हूँ, तो मेरे को अपना। ठीक है ठीक है, मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? आप कह रहे हो आप मेरे से प्यार करते हो, मैंने सुन लिया, अब अपने घर जाओ। ठीक है, अब जाओ घर जाके क्या करूंगी आप समझने की? उन्होंने भी बोल दिया, वो सब बोल रहे हैं कि आप, पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो पब्लिक ही तो सपोर्ट करती है, पब्लिक बोल रही है कि पुलिस वाला चाहे कोई भी हो, प्यार तुम किसी से भी कर सकते हैं। पब्लिक कुछ भी मतलब, आप जो हो ना, आप पता नहीं कौन हो आप, मैं आपको जानता नहीं, कभी देखता नहीं मैंने आपको, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मान जाओ, आप मेरे को एक हक कर दो, मैं चली जाऊंगी। नंबर दे दो मुझे अपना, नंबर दे दो। सॉरी नंबर तो नहीं, नंबर तो आप मुझे दो अपने पापा का। नहीं, मेरे पापा मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमें यही लड़का चाहिए। बार बोल रहा हूँ, आप चले जाओ, समझ रही हो? आप समझना नहीं चाह रहे हो मेरी बात, बताओ। मैडम अपनी उम्र देखो पहले, और आप यहाँ उम्र, मैं नाबालिग नहीं हूँ ना, मैं बालिक हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से लड़का देख सकती हूँ, मुझे आप पसंद हो, मैं आपको कब से नोटिस करती हूँ, बताओ मुझे आपका नाम भी कैसे पता, नाम भी पता है मुझे, आपका एड्रेस भी पता है, आप उत्तम नगर रहते हो, आप G9 ब्लॉक में रहते हो, ये सुन लो मुझसे, कहाँ से? मैंने आपकी सारी, मैं आपको देखती हूँ ना, मैं भी वही रहती हूँ आपके घर के सामने ही। मैडम समझ नहीं रहा, आपसे बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, आप चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे। और क्या मतलब आप कुछ भी बोलते रहो, मुझे तो हंसी आ रही है आप पे, कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ भी आप नहीं समझ रहे मतलब मेरी बात। मैडम बच्चे हो आप, जाके जाओ पढ़ाई करो। मैं बच्ची नहीं हूँ, आप जाओ जाके पढ़ाई करो, देश का ना भविष्य सुधारो, जाओ कुछ बनो जाके। मैंने देश का भविष्य सुधार दिया? हाँ जाओ पढ़ाई करो, आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो। स्कूल में नहीं हूँ मैं, मैंने अभी ग्रेजुएशन की अपनी, मैं आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, मैं छोटी नहीं लग रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरे दिमाग से बड़ी हूँ ना मैं, तभी तो आपके पास आई हूँ। मैं बता तो रही हूँ आपको, पता नहीं क्या। हाँ तो मैं अच्छी हूँ, इसलिए तो आप कुछ कह नहीं रहे हो मुझे, कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, मैं तो वेट कर रहा हूँ, टीम आने वाली है मेरी, दोबारा फोन करूँगा तो बहुत तेजी के साथ आ जाए। अच्छा क्या करोगे, मुझे जेल में डाल दोगे? मैं लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, उनसे आप बात कर लेना अच्छे, बहुत ठीक है जी, उन्हें अपनी कंफर्म बता देना, वो आपसे ले लेंगे आपकी सारी फीलिंग्स जो भी। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो? बात समझने की है ही नहीं मैडम, कि मतलब मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे आप पसंद, आप समझना नहीं चाह रहे? आपको मुझसे प्यार हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब ना आप बच्चे से घर जाओ। ये डंडा किसके लिए, एक बार देख लो ये डंडा, तो डंडा देखो, ये तो बहुत सेक्सी डंडा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, अब ले लूँ आप? हाँ तो चलो ना, आप मेरे से कॉफी पे चलोगे? चल लो ना, प्लीज प्लीज चल लो। मैम कैसी बातें कर रही हूँ, मुझे हंसी दिला रहे हो आप? हंसी नहीं दिला रही हूँ मैं आपको, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। मैडम ड्यूटी का टाइम है, हाँ ठीक है ड्यूटी करना है तो, इलेक्शन का आंटी भी बोल रही है कि प्यार तुम किसी से भी कर सकते हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो आप फिर समझना ही नहीं चाह रहे हो, आप मेरी फीलिंग्स की समझो ना। मैडम जी ऐसा है, मैंने आपसे बहुत प्यार से बात कर ली, सुबह से दिमाग का वैसे ही ख़राब है इलेक्शन के टेम्परेचर से, अब जो है मैं अपनी टीम बुला रहा हूँ, आपको जाना है तो आप निकल जाओ, और नहीं जाना तो आप रुके रहो, मैं लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी टच भी नहीं कर सकता ना कुछ बोल सकता, क्योंकि आप लेडीज़ हो, इसलिए मैंने आपकी इज्जत कर ली, अब मैं अपनी लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, अब आप सुनो तो सही। अच्छा सुनो, सुनना क्या है, मत बुलाओ मत बुलाओ, दो मिनट लगने वाले, बात सुनो मैं, नहीं मुझे फिर वही बोलोगे आप क्या बोलना क्या चाहते हो, आप यही बोलोगे मेरी फीलिंग आ रही है, फोन लग गया फोन एक बार काट दो, एक बार डिस्कनेक्ट कर दो मेरी बात, मैं चली जाऊँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, हम ना एक छोटी सी वीडियो बना रहे थे, कौन सी वीडियो? वो मेरा ना प्रैंक चैनल है यूट्यूब पे, तो एक छोटी सी वीडियो बना रहे थे, तो आप आशिमा सेठी को जानते हो ना, आपकी बहन है जो, हाँ तो उसी ने ही बोला था आप पे प्रैंक करने के लिए, तो यार वो सामने कैमरा लगाऊंगे इलेक्शन के टाइम पे, तुम्हें प्रैंक सूझ रहा है? आई एम सो सॉरी, मैं पता है इलेक्शन के टाइम पे जहाँ पे वोटिंग हो रही थी, वहाँ दूर रहना होता है। हाँ मैं समझ लेकर इधर आ इधर। अच्छा सुनो, तो हम एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, हम तो सॉरी, अरे इसको बुलाओ यार, प्लीज आप कॉल मत करना, मैं मजाक कर रही थी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो यार बहुत ही रिस्की वीडियो थी, तो यार मेरे गट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आपको बता दूँ कि बहुत ही बड़ा रिस्क था ये, क्योंकि यार कैमरा टूटते टूटते बचा है, उन्होंने कैमरा बंद करा दिया था, और यार बहुत मुश्किलों से इन्हें आशिमा को कॉल करके
दुआओं से सही सलामत वापस आ गया। तो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज सपोर्ट अस, बी द फ्रेंड स्टार, कीप सपोर्टिंग। और इतने बड़े बड़े रिस्क आपके लिए लेते रहेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू ऑल।